नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एड्स का पता कब चलता है, यानी कि जब किसी इंसान को एड्स हो जाती है यानी एचआईवी हो जाती है तो उसका पता कब चलता है कि इसका एचआईवी हो गया है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एड्स जो है वह बहुत खतरनाक बीमारी होता है। जब एक बार किसी व्यक्ति को पकड़ लें तो उसको जिंदगी में छोड़ने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि इसका इलाज अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग एचआईवी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, आखिर होता क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण को आप लोग अंदाज से पकड़ लीजिएगा। दोस्तों जब भी किसी इंसान को एचआईवी होती है तो उसको तरह तरह के लक्षण दिखाई देने लगती हैं। क्यों लक्षण दिखाई देती हैं? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम दोस्तों कमजोर होने लगती है एचआईवी पेशेंट का। जब इम्यून सिस्टम कमजोर होती है तो तरह तरह के लक्षण बैक्टीरिया शरीर पर हमला करने लगती है। तो आइए जानते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण कितना होता है, कौन कौन सा लक्षण होता है। दोस्तों इसका लक्षण जो है तीन स्टेज में पाया जाता है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री तक आदमी जो है बचा रहता है, स्टेज थ्री के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका लक्षण क्या होता है, इससे पहले दोस्तों आप लोग से बात कहना चाहते हैं, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहे। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा स्टेज वन में आखिर होता क्या है। दोस्तों हम आपको बताए हैं कि जब स्टेज वन में यही होता है कि इम्यून सिस्टम दोस्तों कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है तो तरह तरह के बैक्टीरिया शरीर पर हमला करने लगती है। जब शरीर पर बैक्टीरिया जब हमला करती है तो क्या होता है कि आपको डायरिया होने लगती है, इसके बाद शरीर पर रेडनेस आपको आने लगती है, शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली भी आपको होने लगती है, और इसके बाद थकान, कमजोरी, बुखार आने लगता है। यह सब लक्षण फर्स्ट स्टेज में आपको दिखाई देने लगती है। सेकेंड नंबर में स्टेज में आपको लक्षण क्या दिखाई देती है, हर वक्त थकान होना, गले के आसपास सूजन होना, इसके बाद बुखार आना, रात में पसीना आना, वजन घटना, स्किन जो है बैगनी रंग का हो जाना, जल्दी जल्दी सांसें आना, सिस्ट हो जाना, सिस्ट आपको या तो आपको गाल पर बहुत ज्यादा हो जाए, बोरे बोरे की तरफ बहुत ज्यादा हो जाए, या आपको गुप्त अंग में भी आपको सिस्ट यानी घाव की तरफ फोड़ा फोड़ा हो जाए, जरा सा भी अगर आपको चोट लग जाए तो आपको क्या होता है दोस्तों की ब्लडिंग बहुत ज्यादा होने लगता है। यह सब लक्षण स्टेज टू में देखा जाता है। आइए स्टेज थ्री का लक्षण हम लोग जानते हैं। स्टेज थ्री में होता क्या है कि एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि शरीर का इम्यून सिस्टम अभी कितना है, जिसमें CD4 ठीक है, या जो है इम्यून सिस्टम नापा जाता है, देखा जाता है कि इसका इम्यून सिस्टम कितना है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें जो एचआईवी जब थर्ड स्टेज आता है तो 200 से नीचे चल जाता है। ठीक है, जब 200 से नीचे जाते हैं तो पूरा इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बल्कि स्वस्थ आदमी को CD4 का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 500 से 1600 के बीच में नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर 200 से जिसका नीचे चल गया तो उसका इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई उसको बचा नहीं पाता, यानी शरीर पर पूरा बैक्टीरिया हमला कर जाता है। जब बैक्टीरिया हमला कर जाता है तो ये समझिए कि शरीर में सब बीमारी आ जाता है, कोई भी बीमारी नहीं है जो कि नहीं आता है, टीबी से लेकर शुगर, बीपी पूरा उसके शरीर में आ जाता है, किसका, एचआईवी पेशेंट का, यानी पूरा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है, यानी कि 200 से नीचे हो जाता है CD4। तो होता क्या है कि शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डाउन हो गया, तो शरीर जो है बीमारी से लड़ नहीं पाता है। जब लड़ नहीं पाता है तो इंसान क्या होता है दोस्तों कि मौत हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यह सब जानकारी हो गया, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।